हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है हाउ टू डू स्मार्ट स्टडी विदाउट टेकिंग प्रेशर। एक स्मार्ट तरीके से बिना दबाव के साथ पढ़ाई कैसे की जाए। दबाव एक ऐसी चीज़ है, प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो कि पढ़ाई की हो ही जाता है। आप कुछ भी करो, पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वही प्रेशर आपका स्ट्रेस बन जाता है और स्ट्रेस ही सेकंड स्टेप में जाके डिप्रेशन का रूप लेता है। और जब स्ट्रेस डिप्रेशन में जाता है तो हमारी बॉडी के साथ, ब्रेन के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि हाउ टू डू स्मार्ट स्टडी विदाउट टेकिंग प्रेशर। बिना प्रेशर के हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, हम अपने में कैसे कुछ बदलाव कर सकते हैं जो कि हमें आने वाले समय पर हम जो पढ़ना चाहें, जो नया कुछ काम करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। इसको आप पढ़ाई से भी जोड़ सकते हो, इसको आप एक जनरल लाइफ से भी जोड़ सकते हो। दोनों चीज़ों में आपको इसका सोल्यूशंस मिलेगा। तो हम कुछ चीज़ समझने की पहले कोशिश करते हैं। या देखो, जीवन में बदलाव, ठीक है, बदलाव कैसे आता है और हम चीज़ों को बदलते कैसे हैं, दो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम चीज़ों को बदलते कैसे हैं, चीज़ें बदल कैसे रही हैं, हम चीज़ों को बदलते कैसे हैं, वो चीज़ें बदल कैसे रही हैं। समझ में आ रहा है? हम देखते हैं चीज़ें बदलती कैसे। एक उदाहरण लीजिए कि हमने स्कूल में, बचपन में हमने स्कूल में एडमिशन लिया, ठीक है। हमने जब स्कूल में एडमिशन लिया, हमने केजी वन में, केजी टू में या फर्स्ट क्लास में, जिस भी क्लास में हमने एडमिशन लिया, ठीक है, तो हमने जब स्कूल में पढ़ाई करनी शुरू की, तो पढ़ाई करते समय हमने केजी वन निकाला, ठीक है, केजी टू निकाला, नर्सरी वगैरह जो पढ़ाई आप करते हो, ऐसे करते करते आपने, आपकी प्रोग्रेस हो रही है। आप समझने की कोशिश करना, आपकी प्रोग्रेस होती है। आप फर्स्ट क्लास में जाते हो, सेकंड क्लास में जाते हो, थर्ड क्लास में जाते हो, फोर्थ में, फिफ्थ में, ऐसे करते करते आपकी क्लास बाय क्लास आपका क्या होती है, पोजिशंस बढ़ती जाती है, आपकी पोजिशंस बढ़ती है। आप फिफ्थ क्लास में आ गए, ठीक है, आप एट्थ क्लास में आ गए, आप टेंथ में आ गए, आप ट्वेल्थ में आ गए, ट्वेल्थ के बाद कॉलेज में आ गए, कॉलेज के बाद आपने पीजी किया, जो भी आप स्टडी करना चाहते हो आपने वो सारे काम किए, ठीक है। ये तो वो काम है जो हो रहा है, ठीक है, जो अपने हिसाब से हो रहा है, ठीक है। क्लासेस होती है, क्लासेस बदलती है, सब चीज़ें होती है, क्लास बदल रही है, ठीक है। हमने क्या बदला ये समझने की कोशिश कीजिए। हमने क्या बदला, हम पहले, हमारा उठने का, बैठने का, पहनने का, कपड़े पहनने का हमारा तरीका लगता, भाई छोटे हम थे हमारा कपड़े पहनने का तरीका लगता, जैसे जैसे बॉडी बढ़ती है, बॉडी बदलाव आता है, हमारा कपड़े पहनने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है, हमारा उठने का, बैठने का, लोगों से बात करने का, सब कुछ करने का तरीका अलग होता है। हम छोटी क्लासेस में होते हैं, कहीं भी कूद गए, कहीं भी खेल गए, कपड़े गंदे हो रहे हैं, सब कुछ होता है, हर चीज़ होने लगती है, हमें ये समय शर्म नहीं होती है, ठीक है, हमारे अंदर एटीट्यूड नहीं आता है, हमारे अंदर दिखावे वाली चीज़ नहीं आती है, बिंदास रहते हैं, ठीक है। उठना है, स्कूल जाना है, बैग जैसा टांगा वैसा टांगा, सामने ऐसे गले में बोतल टांगे चले गए, वो दिन याद कीजिए बचपन के, ठीक है। बिंदास तरीके से जाते हैं, बिंदास तरीके से आते हैं, खाया पिया मस्त तरीके से ऐश किया, ठीक है, उसका थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, फिर हमें थोड़ा सा एटीट्यूड आता है, थोड़ा सा एटीट्यूड आता है कि लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, ठीक है, लोगों को देखने के चक्कर में, लोगों को समझने के चक्कर में, आसपास के माहौल को देखने के चक्कर में लोग बोलते हैं बेटा बड़े होगा थोड़ा अच्छे से रहा करो, थोड़ा कायदे से रहा करो, थोड़ा अच्छे से कपड़े पहनो, ये करो वो करो, हमने वो सब बदला, ठीक है। हमने क्लासेस बदली, क्लासेस के साथ साथ हमने अपना कपड़े पहनने का तरीका बदला, हमने खाना खाने का तरीका बदला, हमने उठने बैठने का तरीका बदला, हमने हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू किया, हमने हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से दोस्तों को लेना चालू किया, हमने हमारी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को ऐसे लिया, पहले हम पैदल जाते थे, हमने छोटी छोटी वाली साइकिल चलाई, बच्चे वाली, बच्चे का थोड़ी हमने बड़ी वाली साइकिल चलाई, वही कहते हैं ना उदाहरण के तौर पर, बस हमने साइकिल शुरू करते तो दो पहिए अलग से एक्स्ट्रा लगे होते, ठीक है, उसका वो दो पहिए छोड़ देते, खोल देते हैं, क्योंकि हम हमें लगते हैं हम बड़े हो गए, अब हम बिना पहिए के साइकिल चलाएंगे, हमने वैसे साइकिल चलाई, साइकिल चलाते चलाते क्या कहो क्या होता है, प्रोग्रेस होते हैं, गाड़ी पे आते हैं, है ना, बिना गियर की गाड़ी चलाएंगे, कुछ गियर वाली गाड़ी चलाते हैं, तो ये क्या हो, प्रोग्रेस हो, ठीक है, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर हमारी प्रोग्रेस होती है। तो हमारी जब प्रोग्रेस होती है, ठीक है, तो प्रोग्रेस होती है तो देखिए सब चीज़ बदल रही है, ठीक है, शुरू से लेकर अभी तक आपकी सब चीज़ें बदली और हमने भी बहुत सारी चीज़ों को बदला, लेकिन जो नहीं बदला वो क्या, आप समझो, बचपन से लेके अभी तक
हर चीज़ बदल गई, क्लास के साथ साथ सीनियरिटी आ गई, सब चीज़ हो गई, हमने सब कुछ बदल दी, लेकिन हमने जो नहीं बदला वो है सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा पढ़ने का तरीका। हमने क्या नहीं बदला है? हमारा पढ़ने का तरीका। जब क्लासेस बढ़ती हैं, हमारा ओहदा बढ़ता है, हम सीनियर होते हैं, हर चीज़ होती है, ठीक है, टीचर्स बदलते हैं, सिलेबस बदलते हैं, वो गलती हमारी नहीं है, हमें बताया नहीं। अब ये हो गया है आधुनिक शिक्षा में, कई जगह हो गया कि नई चीज़ों को नए तरीके से पढ़ा जाता है। हमने सब कुछ बदला, हमारा पढ़ने का तरीका वही का वही है भाई, वैसे याद करना है, वैसे लिखना है, सब कुछ करना वही का वही तरीका हमारा चला रहा है, कंटिन्यू तरीके से चला रहा है। हमने नहीं बदला तो केवल और केवल अपना तरीका, ठीक है। हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जैसी क्लासेस हैं, जैसी डिमांड है, जैसा काम है, जो टारगेट है, उस टारगेट के हिसाब से हमें अपना तरीका बदलना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमें अपना तरीका बदलना, ठीक है। और तरीके बदलने में पढ़ाई के समय तरीका कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है उसको हम समझने की कोशिश करें। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि अगर आपको किसी लंबी जर्नी पर जाना है, आप कोई काम करते हो, आपको किसी जर्नी पर जाना है, तो जर्नी के अंदर हम क्या करते हैं, बैग में सामान भरते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, हम बैग में सामान भरते हैं, ठीक है। जब बैग में हम सामान भरते हैं तो सामान भरते भरते हम बहुत सारी चीज़ें रख लेते हैं और लास्ट में बैग में बहुत एक या दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है, वो हमारे पास बैग में रखने के लिए जगह नहीं होती है। जब हम उन दो चीज़ों को रखने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं बैग के अंदर या ये फालतू चीज़ें ये क्या भर दी, या कोई व्यक्ति हमारे पास कोई समझदार या हमारे बड़े करके आते हैं कि तू दो दिन के लिए जा रहा है, तीन दिन के लिए जा रहा है, इतना सारा सामान भर रहा है, इसका क्या काम है। ये तब हमें समझ में आता है, कोई बोलता है या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी छूट रही होती है, उस बैग को खोल के देखता हूँ, या ये मैंने फालतू चीज़ें रख ली, ये चीज़ें रख ली। मतलब हम चीज़ों का कलेक्शंस करने में बहुत स्मार्ट है, हम वस्तुओं का कलेक्शन करने में बहुत स्मार्ट है, हम चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं। हम चीज़ों को कलेक्ट कैसे करते हैं ये समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने वो बैग भरने का हम ये देखते हैं मेरा टारगेट जगह क्या है, मेरी जो टारगेट जगह है उस टारगेट जगह के हिसाब से अब मैं उतना सामान रखता हूँ कि मेरी टारगेट जगह पे जहाँ जर्नी है उस जगह पे मेरे को कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वहाँ पे मुझे सामान कितना लेके जाना है, हम उस टारगेट के हिसाब से उतना ही सामान रखते हैं। जब हम समझते हैं, जब मैच्योर होते हैं, तो हमें अकल आती है कि हमें कितनी चीज़ें रखनी कितनी चीज़ें नहीं रखनी है। जब हम कितनी चीज़ें रखते हैं जर्नी के लिए, तो मेरे दोस्त ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या रख रहे हैं। जब पढ़ते समय कॉम्पिटिशन एग्जाम की या कॉलेज की या स्कूल की कोई भी स्टडी शुरू करते तो हम देखना हम शुरुआत कैसे करते हैं। हम शुरू करेंगे तो देखना दो कॉपी, तीन कॉपी, चार कॉपी, पांच कॉपी, दस कॉपी इकट्ठी कर लो भाई, सारी किताबें इकट्ठी कर लो, इसका भी रेफरेंस ले लो, उसका भी रेफरेंस ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब कर लो। और आज हम स्पेशल बात करते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम से। कॉम्पिटिशन एग्जाम से क्या है, कोई एग्जाम से, एग्जाम देखिए, समझिए, समझने की कोशिश की, एग्जाम चाहे स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम का एक फिक्स सिलेबस है, तो उसमें इस एग्जाम को पास करने वाले सक्सेस स्टोरीज भी हैं। उन सक्सेस स्टोरीज ने आपको बहुत कुछ बताया है, वो सिलेबस आपको बताता है कि ये सिलेबस कैसे कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। आपने एक से सजेशन ले लिए, दो से सजेशन ले लिए, ठीक है, लेकिन आप दो के सजेशन लेने के बाद में बेस्ट सजेशन जो आपके पास हो गया, उसके बाद भी हम तीसरे के पास जाते हैं, फिर हम चौथे के पास जाते हैं, पांचवें ने ये बोल दिया, किसी पेपर में कोई न्यूज़ देख ली, कोई सक्सेस हो गया, उसने अपनी स्ट्रेटेजी बता दी, सबको, हर एक व्यक्ति की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, हम एक स्ट्रेटेजी सोचते हैं, हर एक कोचिंग का अपना रिजल्ट होता है, हम उस कोचिंग का रिजल्ट देखते हैं समझते हैं, और कोई ने बोला इस रेफरेंस में से ये ले लो, उस रेफरेंस में से ये ले लो, उस रेफरेंस में ज़्यादा समझ में आएगा, उस वीडियो से ज़्यादा समझ में आएगा, ये पढ़ोगे इसमें से सब समझ में आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम जोश जोश में सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करते 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 ये होता है कि मेरे पास किताबों जो किताब एक काम एक किताब काम में एक किताब से काम हो सकता था, उसके लिए हमने एक किताब ली, दो ली, तीन ली, ऐसे करते करते हमें बोझ बढ़ता जा रहा है, बोझ बढ़ रहा है, तो समझो उस बोझ को कंप्लीट किसको करना है, मुझे, हमें पढ़ना है, ये बोझ जितना भी बढ़ेगा उसे हमें समझना है। तो सबसे पहले ये समझो कि आपकी जो जर्नी है, आपका जो एग्जाम है, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास डेटा क्या है, तो उस डेटा का सिलेक्शंस करो, फ्री बैठो एक बार, किसी की नहीं सुनना है, कुछ नहीं करना है, कैसा, आपने बेस्ट सजेशन ले लिए, अपने टीचर से सजेशन ले लो, सब कुछ कर लो, ठीक है, बेस्ट सजेशन ले लो, उसको नोट डाउन कर लो, हर चीज में देखो कॉमन सजेशन कौन सा है, उस कॉमन सजेशन को ले लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में हुई उसकी कोई एग्जाम की कोई बुक होगी पर्टिकुलर जो काफी लोग बोलते हैं, तो उस एक किताब को लो भाई,
ठीक है, आप बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो एक किताब दो किताब जितनी रेफरेंस बुक है उतनी बुक आप रखो बस, ज्यादा बुक नहीं रखनी है आपको, ज्यादा बुक नहीं रखनी है। अब आपने जब सिलेक्शन ऑफ योर बुक्स, सिलेक्शन ऑफ योर मटेरियल आपके पास सब फिक्स हो चुका है, तो अब इसको लॉक कर दो। इसको लॉक तब तक करो जब तक आपका वो बुक्स, वो रेफरेंस, वो सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो जाते। जब तक ये बुक्स कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक रेफरेंस नहीं छूना है, जब तक रेफरेंस नहीं छूना है। आपके पास दो किताब, दस किताब, पांच किताब, दस किताब, जितनी किताबें आप उतनी किताबों को लो, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। जो जर्नी के लिए आपने चीजें रखी उन किताबों को आप कंप्लीट करो, फिर सोचो दूसरा रेफरेंस क्या लेना है, ठीक है। रेफरेंस में आप अक्सर देखोगे रेफरेंस के नाम पे क्या होता है, कोई चीज होती है वही चीज वहां पे रेफरेंस में वही की विधि होती है। हम ये नहीं पढ़ते हैं और रेफरेंस लेते रेफरेंस पे जाते हैं, हमारे यहाँ जो बेसिक है वो बेसिक पूरा हो नहीं पाता है। जब बेसिक ही नहीं हुआ तो रेफरेंस कैसे समझ में आएगा, या दूसरी कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की बुक है या छोटी पॉकेट डायरी है, कोई भी चीज वो समझ में कैसे आएगी आपको जब आपका पहली बुक समझ में नहीं आया। स्मार्ट स्टडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा को पहले आप कंप्लीट कीजिए, उस डेटा को कंप्लीट करने के बाद खुद का टेस्ट लीजिए, खुद के मॉक टेस्ट लीजिए, हर चीज कीजिए, उसको करने के बाद में आप ये देखिए कि उसमें आपका प्रतिशत कैसा बन रहा है। अपने टेस्ट लेके उसमें से आप अपना टारगेट निकालिए, वो टारगेट जब आपका निकलेगा प्लस में जितना निकलता है उसके बाद में आपको एडिशनल्स की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में अडॉप्ट कीजिए। हम अडॉप्ट क्या करते हैं, हम इसको पूरा कर नहीं पाए हैं, दूसरे को हमने देख लिया, तीसरे को देख लिया, चौथे को देख लिया, ये हुआ नहीं है, जो बेस है वो होता नहीं हमारा, दूसरे तीसरे चौथे के चक्कर में क्या होता है, हेस्ट मैक्स बेस्ट बन जाता है, आगे साफ पीछे सफाई, पीछे जो पड़ा सब कुछ चला गया, नए के चक्कर में क्या होता है, जो बेस्ट और बेसिक्स थे वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप एग्जाम के सिलेबस को बहुत अच्छे से समझो, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझो सिलेबस क्या मांगता है, पिछले सालों के जो पेपर्स हैं वो पेपर्स पढ़ो, एक साल का नहीं, दो साल का नहीं, कम से कम 5-10 साल के पेपर्स पढ़ो, पेपर्स को कंटिन्यू ईमानदारी के साथ, आपकी ईमानदारी आपके साथ है, उस ईमानदारी के साथ उन पेपर्स को कंटिन्यू पढ़ो, कंटिन्यू सॉल्व करो, पेपर्स में चेंजेस देखो, कौन कौन से पेपर्स में क्या बदलाव होता है, कैसे चेंजेस आ रहा है। पिछले साल अगर 2010 में कोई पेपर था तो 2011 में अगर कोई आया तो उसमें बदलाव कैसे आया है। तो विषय होते हैं, अलग अलग विषय होते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, तो जितने विषय हैं वही ये देखना है कि सपोज हिस्ट्री में से कितना क्वेश्चन आया है, ठीक है, कोई दूसरा सब्जेक्ट है उसमें से कितना क्वेश्चन आया है, कोई तीसरा सब्जेक्ट है उसमें से कितने क्वेश्चन आए, तो इस साल कितने क्वेश्चन आए थे, दूसरे साल कितने क्वेश्चन आए, तीसरे साल कितने क्वेश्चन आए, कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कौन से में से कम क्वेश्चन आते हैं, किसका वेटेज ज्यादा है, किसका वेटेज ज्यादा नहीं है, कौन सी किताब के लिए कौन सा सोर्स आपको लेना है, कौन सी किताब से कौन सा सोर्स नहीं लेना है, किसी किताब में से ये भी क्वेश्चन देखना है कि ये क्वेश्चन कौन सी किताब में से सबसे ज्यादा आता है, कौन सा फ्रेज उसमें यूज हो रहा है, ठीक है, उस किताब को समझना जरूरी है, ठीक है। ये सारी बुक्स आप जब समझोगे तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग कब होगी, जब आप लास्ट ईयर के पेपर्स को अंडरस्टूड कर पाओगे, या आपको कोई नहीं करवा सकता, ये आपको खुद को करना है। आप पहली बार समझो, दूसरी बार समझो, उसके बाद आपको खुद करना है, खुद पहले पेपर्स को सॉल्व करो, पेपर सॉल्व करने के बाद आपकी अपने आप एक अंडरस्टैंडिंग सेट होने लगेगी। उसके साथ साथ जो बुक्स हैं उन बुक्स को कंप्लीट करना शुरू करो। आपके पास आपका टारगेट पूरा होगा ही होगा जब आपके साथ आपके बेसिक्स पूरे होंगे। आपको बेसिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स के बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सोल्यूशन आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन याद रखिएगा, आप जो पढ़ते हो जैसा पढ़ते हो, या ये स्मार्टफोन है, मोबाइल से है, लैपटॉप से, ये सब चीजें क्यों है, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है केवल, आप जो पढ़ते हो हेडफोन लगाओ जो पढ़ते हो बोलते जाओ सुनते जाओ बोलते जाओ, रिकॉर्डिंग करो जितना हो सकता रिकॉर्डिंग करो, और रिकॉर्डिंग चक्कर में क्या होगा, बोलना और ज्यादा चालू रखोगे, आप बोल बोल के पढ़ोगे जब पढ़ने का मूड नहीं है, कुछ नहीं है, उसको देखने का मूड नहीं है, हेडफोन लगाया रिकॉर्डिंग सुन ली, आप अपनी भाषा सुनोगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और दूसरी बार किताब खोलने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसे समय भी ऐसे जगह भी पढ़ सकते हो जहां पे आप किताब नहीं लेके जा सकते हो, ठीक है, आप वहां ही पढ़ सकते हो, तो आपका रिविजन अल्टीमेट होगा ही होगा। अब आपने पहली चीज, दूसरा सोल्यूशन ये है कि जो आपने पढ़ा है पढ़ने के तुरंत बाद में उसका 5 मिनट का रिविजन, एक घंटे की पढ़ाई में 5 मिनट का रिवीजन, एक घंटे जो पढ़ा है, एक घंटा डिक्टो टाइम देखना, एक घंटे जो पढ़ा है, एक घंटे के बाद में 5 मिनट आंख बंद करके देखो कि मैंने पिछले एक घंटे में क्या पढ़ा है, उसको पूरा एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है, रिवाइज कर लो सोच सोच के, हाँ ये पॉइंट जो दिमाग में आता है वो पॉइंट, ठीक है। तो रिवीजन हर सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद या एक घंटे की स्टडी के बाद 5 मिनट का रिलैक्सेशन, रिलैक्स होके केवल आंख बंद करके बैठो, अच्छे से बैठो, और उसके बारे में सोचो कि मैंने अभी क्या पढ़ा,
ठीक है, ऐसा ही आपको क्या करना है, जब नई स्टडी शुरू करोगे तब भी आपको ये देखना है कि मैंने कल क्या पढ़ा था, ठीक है, कल का रिविजन एक बार करो, दूसरा देख लो, फिर नया आप शुरू करो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है। इन चीज़ों के साथ साथ आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपना टारगेट सेट करना है, अपने चैलेंजेस सेट करना है कि आप अपने चैलेंजेस के साथ कैसे कर सकते हो। कॉम्पिटिशन किसी से करने की जरूरत नहीं है, किसी से करने की जरूरत नहीं है, किसी का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, पहले कॉम्पिटिशन खुद से करो यार, ठीक है, खुद से कॉम्पिटिशन करके देखो हमारा कॉम्पिटिशन मुझसे क्या हो रहा है, मेरा पिछला रिजल्ट क्या था तो अब रिजल्ट क्या है। आप किसी से, या हर व्यक्ति की मानसिकता अलग होती है, हर व्यक्ति की स्ट्रेटेजी अलग होती है, हर व्यक्ति की माइंड का सेटअप अलग होता है, उसका पढ़ने का तरीका होता है, उसका बैकग्राउंड की स्टडी लेवल अलग होता है, हर चीज अलग होती है। तो आप उससे कंपेरिजन मत करो, आप ये देखो कि आप किन परिस्थितियों में पढ़ते हो, आपने क्या किया है वो उसको समझो, ठीक है। आप किसी से नहीं कर सकते, किसी ने टॉप कर दिया, ऑल इंडिया रैंक लेके आ गया, या वहां पे उसने ऐसा किया वैसा किया, होता है कई बच्चों की रेक्टिफिकेशन से पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है, कई की होती है कि वो केवल अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते हैं। तो उसको समझने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है कि आप कैसे करते हो। तो किसी से कंपेरिजन करना नहीं है, अपना टारगेट खुद तैयार करना है, टारगेट के हिसाब से काम करना है, उस टारगेट को कंप्लीट करना है, रोज का टारगेट बनाना है, हर घंटे का टारगेट बनाना है, एक घंटे मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, बस एक टारगेट इंपॉर्टेंट रखना कि जिस दिन का जो टारगेट है उस दिन का टारगेट उसी दिन पूरा हो, उस हिसाब से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो टारगेट चुनाव करो, किसी के बोलने के हिसाब से मत करो। तुम्हें जितना बनता है, जैसा बनता है, थाली में खाना उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं, हमें जितना खाना बनता है, ये नहीं किसी ने बोलते ये भी ले ले, ये भी ले ले, मुझे पता है मेरी भूख कितनी है भाई, ठीक है, तो मुझे पता है मेरी कैपेसिटी कितनी है, जितनी आपकी कैपेसिटी आप उतनी कैपेसिटी से अपना टारगेट रखो एक दिन का, ठीक है। आप 10 क्वेश्चन करते हो, 20 क्वेश्चन करते हो, उसी के साथ कंपेयर मत करो, अपने क्वेश्चन के हिसाब से अपना टारगेट तय करो और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी, बेस्ट स्ट्रेटेजी वो होती है जो मुझे काम दे, जो मैं बनाऊं मुझसे, उसके लिए सजेशन ले लो, एक बार उनसे सजेशन लो जो सक्सेस हो चुके, जिनने इसमें कुछ किया है, इस फील्ड में अच्छा किस किया, उससे सजेशन ले, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द स्मार्ट स्टडी विदाउट टेकिंग द प्रेशर, प्रेशर लेने से कुछ नहीं होने वाला है, शांत हो, मस्त हो, बिंदास हो, आप सक्सेस होने के लिए आए हो, पैदा ही हुए हो सक्सेस होने के लिए, बस अपने आपको एक ही कमांड देना है कि आई विल बिकम सक्सेस, आई विल गेट सक्सेस, आई विल गेट सक्सेस, आई विल गेट सक्सेस। और एक चीज हमेशा याद रखना, नथिंग चेंज टिल यू चेंज, कुछ नहीं बदलेगा जब तक हम नहीं बदलते, खुद बदलिए, खुद को बदलिए, सब कुछ बेस्ट होगा, आपका टारगेट आपके सामने, आपके एग्जाम्स आपके सामने, आपके साथ बेस्ट होने वाला है क्योंकि आपकी सोच अच्छी है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय।